क्लास 7। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योर बुक्स क्वेश्चन ट्राई एंड टू एक्सरसाइज 9.3। हमारा 9.2 कंप्लीट हो गया था, अब ट्राई एंड टू का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 80 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो ही एंगल होते हैं, और जो पहला एंगल है और दूसरे एंगल से 18 कम है, ठीक है। जो पहला एंगल x है तो दूसरा एंगल x माइनस 18 है, तो हम लोगों को बताना है उसका मेजर, ठीक है। लेट बी फर्स्ट एंगल इज x, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू x माइनस 18, क्योंकि 18 कम है बोल रहा है, द डिफरेंस इन द मेजर डिफरेंस बोल रहा है ना, तो इसलिए 18 कम है। तो x प्लस x माइनस 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री फर्स्ट वाला हो जाएगा और सेकंड वाला 36 डिग्री। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल व्हिच इज 12 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। बोल रहा है हम लोग को एंगल निकालना है, हम जो पहला एंगल x है और दूसरा एंगल 5 टाइम्स है और 2x ज्यादा है, ठीक है। 12 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट का मतलब ये, ठीक है। तो देखते हैं वैल्यू के, लेट बी फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स, पहला एंगल तो एक्स ही रहता है, सेकेंड एंगल फाइव एक्स फाइव टाइम्स है प्लस 12 बोल रहा है ना, 12 मोर देन एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस 12 इक्वल टू 180 डिग्री। 6x इक्वल टू 180 माइनस 12, 6x इक्वल टू 168, डिवाइड करेंगे 168 डिवाइड बाई 60 के, से कटेगा ये 2 टाइम्स विद 8 टाइम्स 28 डिग्री आ गया। तो मेजर्स पूछ रहा है, तो पहला x का हो जाएगा 28 डिग्री और 5x प्लस 12 का हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 5 प्लस 12 140 प्लस 12 152 हो चुके। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन द एंगल एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल लीनियर पेयर एंगल। हम लोगों को बताना है, फिगर दिया गया है और सभी एंगल्स जितने जितने एंगल्स है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है उसे बताना, ठीक है। तो एडजेसेंट मतलब होता है सटा हुआ साथ में, तो इससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा बन रहा है, पी ओ डी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री कम है और बी ओ डी जो 60 डिग्री लगभग है, तो लिखेंगे ये नंबर का एंगल बी ओ डी और एंगल पी ओ डी, ठीक है। अब बोल रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, ठीक है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल इसमें से तो ए ओ पी सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा 90 डिग्री है, ठीक है। लिखेंगे बी में ए ओ पी, ठीक है। और दूसरा कौन सा बन रहा है पी ओ पी, पी ओ पी भी दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा, तो एंगल है पी ओ पी, ठीक है। अब सी में बोल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ठीक है। तो ए ओ सी और बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे यहाँ पे, बनेंगे ना, लिखेंगे ए ओ सी और बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब लीनियर पेयर एंगल कौन सा है, लीनियर पेयर एंगल कौन सा है, तो लीनियर मतलब लीनियर पेयर एंगल वो होता है जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो उस उधर जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सा हो रहा है, पहले तो पी ओ डी हो रहा है, ये लाइन क्रॉस कर रही है तो पी ओ डी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एंगल पी ओ डी, ठीक है। फिर कौन सा बन रहा है, फिर बन रहा है बी ओ डी, ये भी लाइन क्रॉस कर रही है यहाँ पे, तो ये भी एक एंगल हो गया इसका लीनियर पेयर का बी ओ डी। और फिर अब कौन सा बन रहा है, अब बन रहा है यहाँ पे ए ओ पी, ए ओ पी भी बन रहा है, लाइन क्रॉस करिए तो यहाँ एंगल बन गया, ठीक है। लिखेंगे एंगल ए ओ पी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स ए नंबर। मैं सिर्फ आपको ए ही नंबर बताऊंगा, बाकी सब आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ अननोन एंगल्स हैं
और ये 180 डिग्री एंगल बनेगा, पूरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो हम लोग को इन सभी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले सभी को जोड़ेंगे 4x 5x 8x + x = 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है पूरा, तो जोड़ेंगे तो आएगा 18x = 180 डिग्री, ठीक है। x = 180 / 10 डिग्री, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू RS फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये एक फिगर है, इस ट्रेपिज्म और उसके अंदर PQ पैरेलल टू RS है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, पैरेलल है दोनों। और हमें दिया गया है एंगल Q 75 डिग्री, तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर ये 75 डिग्री दिया गया है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं x, ये 75 है तो x प्लस 75 डिग्री = 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। और ये 75 है तो ये माइनस कर देंगे, 105 डिग्री आ जाएगा, 180 - 75 कितना आएगा, 105 डिग्री, ठीक है। तो आ गया ये x वैल्यू 105 डिग्री। अब ये 105 है तो ये कितना होगा, जब पैरेललोग्राम में पढ़ा होगा ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है ना, लेकिन यहाँ पे ट्रेपिज्म है लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो इन आमने सामने वाला एंगल भी सेम होगा, तो ये 105 है तो ये कितना होगा, 180 - 105 75 होगा, होगा ना। लिखेंगे y प्लस 105 = 180 डिग्री, y = 180 - 105 यानी कि 75 डिग्री, मतलब x का वैल्यू 105 और y का वैल्यू 75 डिग्री। ओके, थैंक यू।